पूरे विश्व में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी बानगी में नॉर्थ वेस्ट के सांसद हंसराज हंस ने अपने निवास स्थान पर योग कर योग दिवस मनाया। कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ डिजिटल तकनीक से जुड़कर उन्होंने अपने साथ बाकी लोगों को जोड़ा। सांसद हंसराज हंस ने कहा कि यह समय निश्चित रूप से चुनौती वाला है, लेकिन योग के माध्यम से आप खुद को मजबूत कर सकते हैं। अनिवार्य है, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। वर्ल्ड योगा डे पे लोगों को ये बताना कि बेशक हम संकट में हैं, मुसीबत में हैं, हम पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया घिरी हुई है इसमें, तो इसमें योगा एक्सरसाइज बाकी खाना पीना अगर एहतियात करेंगे, बाकी प्रकॉशंस लेंगे, जैसे ये मास्क है अभी 2 सेकंड के लिए या कुछ 30 सेकंड के लिए जितनी देर बाइट है मैं करूँगा, अदरवाइज ले के ही रखते हैं, ये ले के रखना है। तो बाकी मेरी विनती है कि योगा बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये नहीं कि आज का दिन योगा के नाम है मजबूरी में कर लें, डेली अगर करेंगे तो बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। जो आपके क्षेत्र के निवासी हैं, जैसे आपने ये कार्यक्रम रखा, तो आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ लोगों ने सेलिब्रेट किया आपके साथ? और पूरे क्षेत्र में हर जगह जुड़े हुए हैं, कोरोना की वजह से हम एक ग्राउंड में या एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, वरना हज़ारों लोग इकट्ठे होकर करना चाहते थे, पहले करते ही थे, इस बार थोड़ा मजबूरी है समय का, वो जैसा समय संकट का चल रहा है, अभी ऑनलाइन ही ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, इसीलिए इधर से जुड़े हैं हम सब। आपके जी साहबान हैं और जिनमें जैसे देवेंद्र सोलंकी साहब हैं, बजरंग शुक्ला साहब हैं, सब मंडल अध्यक्ष हैं, सब पार्षद हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। योगा में हम पहचान पत्र तो लेते नहीं हैं, जो भी आ जाए जमात में वो हमारा अपना है। सर क्या मैसेज दोगे योगा डे के उपलक्ष्य में? यही दूंगा कि तंदुरुस्ती के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे हम घिरे हुए हैं कोरोना में, उससे उसको भी थोड़ा ठीक रखने में ये बहुत हेल्पफुल है योगा। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोरोना में सांस लेने में ही होती है, तो सांस आपने देखा होगा जब हम किसी से दोस्त से पूछे क्या हाल है, कहते शुक्र है सुख की सांस आ रही है, तो योगा से सांस का जो प्रक्रिया है वो इजी रहती है और बहुत सारी और भी बीमारियों से छुटकारा रहता है। कोरोना से तो कोरोना सबसे ज़्यादा अटैक ही सांस पे करता है, लंग्स पे करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। मेरी यही विनती है जो जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जाए कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं, किसी तरह की अफवाह उम्र जो हैं वो गलत हैं, अगर हमने स्टार्ट से उसी स्पीड से लगवानी शुरू की होती तो इतने हमारे जी, इतने वैल्यूबल जिंदगियां को हम ना खोते। चलो अब थोड़ा गौर करो, फिक्र करो, जितनी जल्दी हो, हर जगह वैक्सीन सेंटर खुले हैं, अब उपलब्ध भी है, सबको मेरी विनती है ज़रूर। वर्तमान समय में कोरोना की लहर के दौरान ज्यादातर लोगों का मानना है कि योग आपको एक सकारात्मक ऊर्जा और अंदर से मजबूती देता है, तो लिहाजा योग करने में आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत चरितार्थ होती है। वहीं जब सांसद हंसराज हंस जैसी प्रसिद्ध हस्तियां भी योग करें तो निश्चित रूप से योग की पद्धति को बढ़ावा मिलता है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्टर।